प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित जिले मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित इलाके वासी कला के राहत शिविर में जाकर लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने लोगों को केंद्र से हर मदद देने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का ये फर्ज बनता है कि लोगों के जान और माल की हिफाजत की जाए। राहुल गांधी, आपके बच्चे के दर्द में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकूँ कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। सरकार, यूपी सरकार की पूरी पूरी मदद करेगी और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी जिन लोगों ने ऐसी बड़ी दुर्घटना में शामिल हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इसके बाद तावली गांव पहुंचे। हालांकि इस गांव में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई थी, लेकिन यहां एक मदरसे में राहत शिविर चल रहा है। इस शिविर में आसपास के 10-15 गांव के लोगों ने पनाह ले रखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना और सहायता का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री जिले के बहुराला और बुढ़ाना गांव भी गए। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी और माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी भी है। जी जी जी, ठीक है, ऐसे आगे जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं रह जाएंगे, सब गड़बड़, कुछ नहीं रहे, ठीक है, हम प्रयत्न करें सर। शांति और अमन चैन की घड़ी में जीवन गुजार रही थी, सब व्यवस्था ठप हो रही है और एक ही रास्ता है, शांति अमन चैन का रास्ता। और फिर पहुंचे मुजफ्फरनगर शहर में स्थित हिंसा में मारे गए पत्रकार राजेश वर्मा के घर। प्रधानमंत्री ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और सहायता के रूप में 10 लाख रुपए और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता की घोषणा की। इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी शामिल थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे लोगों में विश्वास और भरोसा एक बार फिर से पैदा होगा, जिससे स्थिति सामान्य होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन जयश्री पुरी और आलोक गुप्ता और सहयोगी विमलेंदु पांडे और आशुतोष शुक्ला के साथ लालचंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, शाहपुर।